दिल्ली की बाहरी जिला पुलिस लगातार अपराधियों की धरपकड़ अभियान में जुटी हुई है। विशेष तौर पर बाहरी जिला के डीसीपी समीर शर्मा द्वारा जिले की कमान संभालने के बाद से ही उन्होंने अपराधियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में बाहरी जिला के डीसीपी निर्देशन में सुल्तानपुरी थाने की विशेष टीम ने एक ऑटो लिफ्टर गिरोह का भंडाफोड़ किया। बाहरी जिला पुलिस के डीसीपी समीर शर्मा द्वारा मिली जानकारी के अनुसार एसीपी सुल्तानपुरी की देखरेख में सुल्तानपुरी थाना एसएचओ के नेतृत्व में एसआई परमिंदर, हेड कांस्टेबल सेवाराम, कांस्टेबल सुनील और कांस्टेबल दिनेश की एक संयुक्त टीम का गठन किया गया। टीम ने पूर्व में शामिल ऑटो लिफ्टरों की डोजियर पर काम किया और जेल से रिहा अपराधियों पर सतर्क नजर रखी, साथ ही अपने लोकल इनपुट और टेक्निकल सर्विलांस का भी सहारा लिया। इस बीच टीम को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि 4 ऑटो लिफ्टर सुल्तानपुरी के ए ब्लॉक फूलवाला पार्क में 2 चोरी की मोटरसाइकिल पर आएंगे। गुप्त सूचना के आधार पर देर रात को टीम ने नांगलोई सुल्तानपुरी रोड स्थित पार्क के पास रेड की और करीब 1 घंटे बाद उक्त चोरी की गाड़ियों पर 4 संदिग्धों को धर दबोचा। अपराधियों की पहचान नितिन हुड्डा, विशाल सिंह, रामचंद्र, चंदन और सोनू मोटा के रूप में हुई। बाद में पुलिस ने इनकी निशानदेही पर 5वें साथी को भी गिरफ्तार कर लिया। बाइट समीर शर्मा, डीसीपी बाहरी दिल्ली। डीसीपी के मुताबिक पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया कि उनका 5 व्यक्तियों का एक गिरोह है और उन्हें बिना चाबी के किसी भी मोटरसाइकिल या स्कूटी का ताला तोड़ने में महारत हासिल है। ये सभी पार्क किए गए वाहनों को रेकी करने के लिए दिल्ली के अलग अलग इलाकों में घूमते रहते हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी सोनू उर्फ मोटा व नितिन उर्फ हुड्डा गाड़ियों को चुरा कर विशाल सिंह उर्फ रामचंद्र उर्फ चंदन को देते थे, जो उन चोरी के वाहनों को पास के सुनसान स्थानों पर पार कर देते थे। साथ ही इन चोरी के वाहनों को क्षेत्र के अन्य बदमाशों को भी किराए पर उधार दे रहे थे और बदले में उनसे हिस्सा लेते थे। आरोपियों की निशानदेही पर सुल्तानपुरी में अलग अलग स्थानों में कुल 43 अन्य चोरी के वाहन बरामद किए गए। पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के अलग अलग थाने से कुल 40 मामलों को सुलझाने का दावा किया है। आउटर डिस्ट्रिक्ट में सुल्तानपुरी ने अभी हमने एक ऑटो लिफ्टर का गैंग बस्ट किया है, जिसमें हमने 45 मोटरसाइकिल हमें रिकवरी की है। ये जो मोटरसाइकिल है ये स्नैचिंग और रॉबरी में इस्तेमाल होती थी। इसमें 30 हमारे पास मोटरसाइकिल हैं और 15 टू व्हीलर स्कूटीज़ हैं जो कि रिकवर हुई है। इसमें हमने 5 लोगों का गैंग बस्ट किया है। एक है नितिन अलियास हुडा है, एक है विशाल है, एक मनीष है, एक रामचंद्र है और एक सोनू है। ये 5 क्रिमिनल्स हैं, पुराने क्रिमिनल्स हैं। मेन इसमें नितिन अलियास हुडा है, जो 2009 से चोरियां कर रहा है, जिसपे 15 इन्वॉल्वमेंट है। इसमें रामचंद्र के खिलाफ 7 इन्वॉल्वमेंट है और बाकी सारे भी इसमें क्रिमिनल्स हैं और इनको हमने अरेस्ट किया है। प्रॉपर एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के थ्रू अरेस्ट किया इनको, किसी को मौके पकड़ा। टोटल हमने 45 इसमें टू व्हीलर्स, अबाउट 40 लाख तक का टू व्हीलर्स हमने रिकवरी कर लिए और ये एक अच्छा काम है आउटर डिस्ट्रिक्ट का।